अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम एक बहुत ही मुख्तलिफ़ रेसिपी बनाएंगे चॉकलेट ब्रेड की, जो हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क के साथ। और अंडे हैं, बेकिंग पाउडर है, मैदा है और कोको पाउडर है, ठीक है, बस इतने से अज्जा हैं सिर्फ। और आज हम बंगाली चना दाल बनाएंगे, जिसमें हम बटर मिल्क डालेंगे। और चने की दाल जो है वो आपने बॉईल कर देनी है पहले, फिर उसको इस्तेमाल करना है। सो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ पानी के साथ बॉईल की थी। हल्दी और नमक डालना है, पानी के साथ बॉईल कर दीजिएगा और थोड़ी सी मशी करिएगा। आधी को आप मैशअप कर दीजिएगा, आदि आप ऐसे साबुत भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बहुत ही डिफरेंट अज्जा है वो थिन बटर मिल्क है, यानी कि लेमन या सिरका डाल के आपने दूध को रखना है और वो पतला सा हो और उसमें आप वो शामिल करेंगे इन दी एंड। सो इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। वो मैंने कल परसों जो फ़िश वेलिंगटन बनाया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि उनको बहुत अच्छी लगी रेसिपी। पफ पेस्ट्री घर में हो, फ़िश हो या चिकन हो या कुछ भी आप उसके अंदर मिक्स करके रखना चाहें, चटनी हो या कोई सब्ज़ी हो, तो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी झटपट सी एक बेक्ड डिश आपकी हो जाती है। उसके साथ सैलड करें, पोटैटो सर्व करें, व्हाटएवर। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अंडों को बीट करना है, कंडेंस मिल्क उसमें डालना है, बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर साथ डाल के बेक करने रख देना है। बेक हमेशा हम करते हैं किसी भी टिन में, जब ब्रेड होता है, लोफ टिन होता है इस तरह का शेप का, ठीक है। इसमें पेपर लगाइएगा, पेपर को भी ग्रीस करिएगा और साइड्स को भी ग्रीस करिएगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। बेकिंग के बेसिक जो रूल्स हैं, अवन शुड बी ऑन, सबसे पहले अवन ऑन कर दीजिएगा। जो रैक है वो बीच यहाँ सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। रैक को कहीं और नहीं रखिएगा, ऊपर नीचे नहीं रखिएगा, सेंटर में रैक होना चाहिए और यहाँ नीचे का सिर्फ फंक्शन ऑन होना चाहिए। ये भी बातें याद रखिएगा, बिकॉज ये बेसिक बेकिंग है। आप सोचेंगे कि मैं बेसिक बातें क्यों करती हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग हमें बीच में कभी ज्वाइन करते हैं, ये रूल्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं, फिर ये जब चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी उसके बाद अवन खोलने जाएंगे, दैट्स टू लेट, ठीक है। इसको आधा घंटा गर्म करिएगा, जिस टेम्परेचर पर आपने बेकिंग करनी है उसी टेम्परेचर पर आपने अवन को भी ऑन करके उसको गर्म करना है और फिर यूज़ करना है। प्लीज़ याद रखिएगा, ठंडे अवन से शुरू नहीं करिएगा, फिर बेकिंग पाउडर या जो भी आप राइजिंग एजेंट उसमें डाल रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक दफ़ा आपने डाल दिया बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या जो भी चीज़ आप राइज करने के लिए, खमीर हो, तो फिर उसको आप फौरन बेक करिएगा, फिर आप उसको यहाँ काउंटर पर नहीं छोड़िएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या थी कि अंडे मक्खन वगैरह हो वो फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, अंडे ठंडे कभी ना हो, मक्खन वगैरह हो वो कभी भी ठंडा ना हो, ये सारी बातें याद रखिएगा। दीज आर बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टिप्स दैट आई शेयर विथ यू फ्रीक्वेंटली, बिकॉज लोग भूल जाते हैं, फिर वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैदा जो है वो आपको यहाँ लगेगा मैं ऐसे ही रख के यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मैदा मैंने छान के रखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप दैट्स अंडरस्टूड एंड दैट्स क्लियर। और सारी चीज़ें हमने छाननी है, छान के यूज़ करनी है, बिकॉज अदरवाइज लम्ब्स हो जाते हैं और इसमें फिर क्या होता है कि ऑफकोर्स फिर सही तरह नहीं बनता है। ओके, एनी वेज नाउ लेट्स पुट द, मुझे छन्नी नहीं चाहिए, अंडे बीट करते हैं। अंडों को आपने बहुत अच्छी तरह अंडों को बीट करना है, ठीक है। सो अगर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है तो मैं ये यहाँ हाथ रोक दूंगी, इसलिए कि जब मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी तभी मैं फिर एक दफ़ा इसमें अंदर रख दूंगी। अंडे अच्छी तरह बीट करके सिर्फ कंडेंस मिल जाएगा, इसमें चीनी नहीं है, मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, दैट्स इट। पाँच अज्जा से आप ब्रेड बना दीजिए, इट्स कॉल्ड अ ब्रेड और यू कैन कॉल इट अ केक ऑल्सो। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। और हाँ, मुझे याद आया, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से डीलक्स वेजिटेबल स्लाइस हमारे शो के थ्रू आज, तो जल्दी से 888-1 पे आप हमें बताइए कोई दालों के नाम, ठीक है, रेसिपीज़ नहीं, दालों के नाम आज बताइए। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक, वेलकम बैक, एक बार फिर इसको बीट करते हैं।
फिर आपने कंडेंस मिल्क को पूरा टिन कंडेंस मिल्क डालना है, 3 अदद अंडे हैं और 3/4 कप मैदा है और 1/4 कप बेकिंग कोको पाउडर है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ठीक है? सब कुछ गया अंदर, ये देखें मैदा और बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स यू नो दिस इज़ अ वेरी डार्क कोको पाउडर। मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और फिर इसको आप मिक्स करिए। बीटर नहीं चलाइएगा, ओके? जितना हो सके हल्के हाथ से फोल्ड करिए, नीचे से लीजिएगा, मैदा नीचे जाके बैठ जाता है। कल के बंस भी बहुत लोगों ने पूछा था मुझे कि ये क्या बनाया है, तो यू कैन यूज़ देम एज अ बर्गर बन ऑल्सो, क्यों नहीं, ठीक है? तीखा पैटी रखिएगा इसके बीच में और कोई सॉसेस डालिए और इतना मज़े का बन था, आप ट्राई करिएगा ज़रूर। जस्ट 1 सेकंड के लिए चलाते हैं। That's it. और अब ग्रीस किए हुए टिन में हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। ठीक है जी, टैप करिएगा और बेक करने रख दीजिए। 3 अंडे, 1 पूरा टिन कंडेंस मिल्क का, 3/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलिए ये हो गया, बहुत आसान रेसिपी है, चंद अज्जा से भी चीज़ें बन जाती हैं। सब चीज़ें साथ साथ धोते जाइए वरना फिर ढेरों अंबार बर्तनों के जमा हो जाएंगे। जी एक कॉलर है, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हाल है, मैं आपकी दाल आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी जरूर, चने की दाल, मांस की दाल, मांस की धुली हुई दाल, मसूर की दाल, मूंग की धुली हुई दाल, मूंग की छिलकों की दाल, अरहर की दाल, हरी मसूर की दाल। बस बस ठीक है, काफी नाम हो गए, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना है? नहीं बस यही सवाल का जवाब देना था आपको। ओके, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। केक वगैरह अच्छे बनाती हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके, सबसे पहले जब मैंने कहा था ना आपको कि दाल बॉईल करनी है, अब मैंने तो ऑब्वियसली बॉईल की है बिकॉज चने की दाल टेक्स टाइम एट टाइम्स, तो इसमें हमने नमक और हल्दी डाल के एक उबाल आ जाए तब तक हमने उसको बॉईल करना है। सो यहाँ हल्दी है और नमक है, जस्ट बॉईल दिस। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने इसका पानी छान लेना है, जो पानी बच रहा है वो हम छान लेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर हम घी गरम करेंगे, उसमें प्याज तल लेंगे। सो साथ साथ वो भी मैं कर लूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। घी डालें, मक्खन डालें, व्हाटएवर तेल में करें, थोड़ा सा घी बचाएंगे तड़के में जो हम यूज़ करेंगे।
दाल जल्दी से बॉईल हो जाए हम ज़रा ढक्कन रख देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ जैसे ही घी पिघल जाएगा प्याज है वो डालेंगे दो अदद। एक कॉलर है जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए वरना लाइन कट जाएगी। कर दिया। थैंक यू जी, फरमाइए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। आज आप क्या बना रही हैं? चने की दाल बना रहे हैं बंगाली स्टाइल, और चॉकलेट ब्रेड अवन में जा चुका है। क्यों आप क्यों नहीं देख रही? अभी मैंने अभी टीवी ऑन किया। अच्छा, ओके, तो रात में रिपीट पे देख लीजिएगा पहली रेसिपी। बहुत प्यारी लग रही है, मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जी जी, जरूर। चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मूंग की छिलकों वाली दाल, माश की छिलकों वाली दाल, माश की दाल, खड़े मसूर की दाल, उड़द की दाल। ओके ओके ओके। और अरहर की दाल। जी बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। मुझे दाल बहुत पसंद है, मुझे हर रोज़ भी कोई दाल खिलाए तो मैं खाऊं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, बटर मिल्क बना रहे हैं हम। सो दूध एंड चंद कतरे लेमन जूस के। प्याज को अच्छी तरह आपने ब्राउन करना है, घी में या मक्खन में, तेल में, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। और यहाँ चने की दाल और हल्दी नमक के साथ बॉईल करने आपने रख दी। मैं बहुत पानी यूज़ नहीं किया था, पर वॉट एवर पानी देयर इज़ हम उसको स्ट्रेन करेंगे और फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। कोई टमाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। 12 और 13 मार्च अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीकेंड हम लोग सब आ रहे हैं लाहौर, मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर लाहौर में जो है वहाँ, और आप लोग सब आइएगा। आउटडोर कुकिंग होगी, हम सब शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे, बहुत सारे प्राइजेज हैं, गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर आइएगा। इसको मुझे ब्राउन करना है, ठीक है। और दूसरे अज्जा इसमें क्या क्या है? अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक हम डाल चुके हैं, ज़ीरा है साबुत, और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है। तो जो तड़का हम करेंगे उसमें हम ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्ची, ये मैं अलग से रख देती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्चें और ज़ीरा तड़का, ठीक है। और ये जो दूध में लेमन जूस डाला था उसको स्टर कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह हर जगह लेमन जूस चला जाए। और प्याज मैं यहाँ लाल कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और फूड डायरीज़ के शो के थ्रू। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो कि है डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर, सैलड्स वगैरह बनाने में बहुत काम आती है ऐसी चीज़ें अपने किचन में, तो जल्दी से जीतिए हमारे शो के थ्रू। और दालों के नाम बताइए, रेसिपीज़ नहीं, दालों के नाम, ठीक है। मसाला एफ डी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। ओके, यहाँ मैंने घी में दो प्याज फ्राई कर दिए हैं चॉप किए हुए, दाल में पानी डाल के हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर दी थी, और ये इस तरह है, निकाल दिया है, ठीक है। पानी अलग और ये दाल अलग, चने की दाल, चने की दाल भिगो के रखिएगा। और इसमें जाएगा अब धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक लहसुन और नमक, अगर ज़रूरत पड़ी, नमक हमने उसमें डाला था। सो अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा ताज़ा लीजिएगा बना के, बहुत हफ्तों पहले से बना के नहीं रखिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है डेली ये अदरक लहसुन छीलने बैठें, तो एक हफ्ते का बस बना के फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग इसमें थोड़ा सिरका वगैरह डाल देते हैं कि वो हरा ना पड़ जाए, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। नाउ रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर जाएगा, उसके बाद जो दाल आपने यहाँ छान के रखी थी वो चली जाएगी, ऑल ऑफ इट, ठीक है। अच्छी तरह उसको भूनिए मसाले के साथ। यहाँ मैं अभी खोल के नहीं दिखाना चाह रही, लेकिन आई कैन सी द केक, द चॉकलेट ब्रेड इज़ राइजिंग, इफ़ द कैमरा कैन कैच इट, अभी इट्स राइजिंग, ठीक है। इसको एटलीस्ट 40 मिनट लगेंगे, बिकॉज बहुत लिक्विड ही था ना, तीन तीन अंडे थे, उसके अलावा कंडेंस मिल्क,
ओके अब मैंने तो ये प्रेशर कुक की थी 5 से 7 मिनट बिकॉज मेरे पास तो टाइम नहीं होता है सुबह में, मैं तो मेरे घर का खाना भी सारा प्रेशर कुक ही करती हूँ। सो प्रेशर कुकर में डाल दिया था, लेकिन अच्छी तरह इसको भिगोना ज़रूरी है। रात से भिगो सकते हैं, सुबह में 3-4 घंटे भिगो दीजिए। अच्छी तरह इसको भूनिए अदरक लहसुन प्याज और मसालों के साथ। मैंने अभी नमक नहीं डाला है बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी नमक डाल चुकी हूँ। नाउ एक दफ़ा ये भुन जाए फिर आप ये इसका जो पानी है बॉईल किया हुआ वो डालेंगे और बटर मिल्क डालेंगे, यानी कि दूध जिसमें हमने लेमन जूस डाला है और थोड़ा सा पतला भी हो। सो फर्स्ट गोज या दिस, और आधी दाल आप मैशअप कर दीजिएगा तो वैसे ही पकने में ये मैशअप हो जाएगी बिकॉज काफ़ी नरम कर दी थी मैंने। सवाल हमने रखा है आज डीलक्स वेजिटेबल स्लाइसर के लिए एनएक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो जल्दी से 8881 पे 8881 इस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए। 8881 पे सही जवाब दालों के नाम, ठीक है, दाल की रेसिपीज़ नहीं, दालों के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इसको कवर कर देते हैं और हल्की आंच पे इसको छोड़ देते हैं एंड चॉकलेट ब्रेड का रिकैप कर देते हैं। मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया था, 3 अदद अंडे लिए थे, 3/4 कप मैदा था, छान के ले लीजिएगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था और 1 पूरा कंडेंस मिल्क का टिन था। ये सारी चीज़ों को बीट कर दीजिएगा अच्छी तरह मिक्स करके अवन में। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। स्लाइसिस में काट के फिर सर्व करिएगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, घी है, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है और ज़ीरा है, वो हम यहाँ तड़का करेंगे। दाल जब बिल्कुल हो जाएगी तब फिर इसके ऊपर डालेंगे और सर्व कर देंगे एंड ऑफकोर्स बटर मिल्क ऑल्सो बीच में। चने की दाल थी, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बटर मिल्क पतला सा लेना है आपने, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरा साबुत, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और घी। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो खाने के हवाले से, फूड डायरीज के शो के हवाले से आप हमें पूछ सकते हैं। देखें दाल इतनी अच्छी तरह हो गई है कि मुझे मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, आधी मैश अप खुद ही हो गई थी बिकॉज आई यूज्ड अ प्रेशर कुकर। चने की दाल और तुअर की या अरहर की जो दाल होती है वो तो मैं प्रेशर कुकर में ही करती हूँ। बाज़ वक्त तो अरहर की दाल प्रेशर कुकर में भी नहीं बनती है, सो यू हैव टू डू इट ट्वाइस। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि हमारी दाल जल्दी से हो जाए और हमारा केक हो जाए। पेज दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत अरसे से मैंने पेज नहीं दिखाया है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कौन सा पेज है, क्या है, क्या नहीं है। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा फेसबुक का ऑफिशियल मसाला TV का पेज है, ये वाला, ठीक है। ओके, कौन दिखा रहा है, ओके, अच्छा। अब ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, कहाँ है रेसिपीज़, फ़ोटोज़ में जाइए, ये नज़र आ रहा है फ़ोटोज़, ठीक है, फ़ोटोज़ में जाइए, गई मैं फ़ोटोज़ में और यहाँ देखें, ये देखें, ये जो कल हमने बनाया था, जो कल हमने बंस बनाए थे उसकी रेसिपी आ गई, उर्दू में पूरी रेसिपी होगी। फिर लोग पैनिक करते हैं, ओह इंग्लिश में रेसिपी नहीं है, सो यहाँ देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है इंग्लिश में रेसिपी, ये आप क्लिक कीजिए और ये पूरी रेसिपी अंग्रेज़ी में भी आ जाएगी। सो दैट्स दैट, आई होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि सारी रेसिपीज़ हमारी अप टू डेट हैं, थैंक्स टू माय टीम। एक कॉलर है, जी हेलो, जी जी बात करें, जी हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जो वो बताती रहे, जैसे अभी भी आपने बताया कि दूध में ना सिरका डालो या लीमू डालो तो वो बटर मिल्क बन जाता है, ऐसे आप बताती हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि आप हर चीज जैसे बताती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा काम है ना आपको सिखाना। जी जी, लेकिन इतनी मुखलिसी से आप करती हैं, हर एक शेफ करता है, सारा ही मसाला TV का सभी अच्छे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अरे ना आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। जी जी, चने की दाल, ठीक, मसूर की दाल, माछ की दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल, ठीक है, ओके, नोट कर दिया है। मूंग की दाल, जी
मूंग की दाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता है आप लोगों को, तुअर की दाल जो होती है, अरहर की दाल, दो टाइप्स की होती है। यहाँ प्लेन वाली मिलती है, बाहर के मुल्कों में चिकनी वाली, ऑयली वाली भी मिलती है। अच्छा। उसका अलग ही टेस्ट है। आप लोग तो आते जाते रहते हैं तो आपको तो ज्यादा नहीं, आते जाते की बात नहीं है, मैंने इंडिया में खाई है। आई डोंट नो कि यहाँ मिलती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं मिलती है। और जो हम लोग पारसी लोग धनसाक बनाते हैं ना, वो ऑयली वाली तुअर की दाल के साथ उसका टेस्ट ही अलग होता है। लेकिन यहाँ नहीं है तो हम कोई बात नहीं, सिंपल वाली, रेगुलर वाली अरहर या तुअर की दाल के साथ बनाते हैं। जी जी। नहीं नहीं, आपको बहुत अच्छे, माशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा और आप बताती भी बहुत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्रोग्राम को और तरक्की दे, आपकी सारी टीम की सारी मेहनत है। थैंक यू, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा बटर मिल्क आप डालेंगे इसमें, ठीक है। एंड देन आप इसमें तड़का डालेंगे। सो फॉर द तड़का, अच्छा ब्रेक है, ओके, सो आके करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर, तो 8881 पे आप मुझे बताएंगे तीन चार नाम दाल के, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आपने यहाँ पैन में तड़के के लिए घी गरम करना है, वो जब पिघल जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, एंड देन मिक्स कर देंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है, दाल में डाल देंगे। उसके बाद हरा धनिया, एंड देन दैट्स इट। अच्छा, मैंने चॉकलेट ब्रेड को स्कूअर डाल के ब्रेक में टेस्ट किया था, अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था ना, इसमें इतना लिक्विड है, 3 अदद अंडे भी हैं, ऊपर से पूरा कैन कंडेंस मिल्क का गया है, सो इट्स गोना टेक सम टाइम। सो एटली होपफुली ये शो खत्म होगा, उससे पहले हो जाएगा। 40 से 45 मिनट आपको इसको होने देना है। घी में आप डालेंगे जीरा, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएं, और फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। इससे बस कलर आएगा, इट्स नॉट स्पाइसी। ठीक है, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चॉकलेट ब्रेड के लिए हमने 1/4 कप कोको पाउडर लिया था, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 3/4 कप मैदा था, और 1 पूरा कंडेंस मिल्क का टिन था, और 3 अदद अंडे। बीट करिए हर चीज़, अवन में रख दीजिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लो टिन में इसको 40 से 50 मिनट तक एटलीस्ट लगेंगे। और बंगाली चना दाल के लिए चना दाल भिगो के रख दीजिएगा 3-4 घंटे, या ओवरनाइट भी सही है। धोइएगा अच्छी तरह साफ पानी में 3-4 दफ़ा, जब तक पानी क्लियर नहीं होता है चावल और दाल मैं धोती रहती हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत मिट्टी होती है उसमें। उसके बाद आप उसको भिगो के रख दीजिएगा, फिर दोबारा उसको साफ पानी से धो लीजिएगा पकाने से पहले। 1 कप चने की दाल को आप 2 से 3 कप पानी में नमक हल्दी डाल के बॉयल कर दीजिएगा, ठीक है, नरम हो जाए। उसके बाद देखें इतनी नरम हो गई थी, मुझे उसको आधा पीसना भी नहीं पड़ा, उसी में हो गया। फिर आपने तेल लिया और आप या घी लिया, उसमें आपने 2 प्याज डाली चॉप करके, उसको आप अच्छी तरह सॉटे करिएगा, ब्राउन हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, लाल मिर्चों का पाउडर, और धनिया पाउडर गया था इसमें, और वही दाल जो आपने बॉईल की थी उसको छान लीजिएगा, दाल को डाल के अच्छी तरह मसाले के साथ भूनिएगा, फिर उसका पानी भी डाल दीजिएगा। और 300 मिलीलीटर आपने दूध लेना है, पतला सा बटर मिल्क आपने बनाना है, तो उसके लिए आप चंद कतरे या तो अंदर लेमन जूस के डालिएगा, या फिर आप उसमें डालिएगा सिरका, और फिर वो थोड़ा सा फट सा जाएगा तो आप पोर कर दीजिएगा दाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो जो पानी डाला था हमने, सूप जो था दाल जिसमें बॉईल की थी, वो पानी जो छाना था, वो पानी भी इसमें डाल दीजिएगा। फिर अलग एक पैन में घी लीजिएगा या मक्खन लीजिएगा, उसमें आप उस पिघल जाए, फिर उसमें आप जीरा डालिएगा, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा, उसका तड़का आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा। दैट्स इट।
सिंपल रेसिपीज़ घर में सारे अज्जा हों, बनाइएगा रेसिपीज़, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से 888 पे 8881 इस नंबर पे आप SMS करिए अपने फ़ोन से और हमें बताइए दाल के नाम, रेसिपीज़ नहीं, ठीक है, दाल के नाम। मसाले FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो हम चलते हैं एक रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप रेसिपी कार्ड चलेगा उसमें देख लीजिएगा, अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, और नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में, ज़रूर बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। थैंक यू। देखिए मैंने केक तो निकाल दिया है, ब्रेड, इनफैक्ट चॉकलेट ब्रेड तो ओवन में से निकाल दिया है, लेकिन इट इज़ सो हॉट कि मैं क्या करूँ, मुझे आई एम ट्राइंग टू टेक इट आउट ऑफ द टिन, बट अभी टूट जाएगा, सो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस और फिर निकालेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। दाल भी रख दी है और विनर हैं सजल फ्रॉम इस्लामाबाद। कल मैं फूड डायरीज़ में आलू पूरी बनाना सिखाऊंगी, चिकन नूडल सूप है और लज्जत पे 5 बजे लाइव देगी, बीफ बिरयानी, चिकन कढ़ाई, ढाबा स्टाइल मखाने की खीर बनेगी। तो देखिएगा रेसिपी सारी हमारी लाइव शोज़ की भी, रिकॉर्डेड शोज़ की भी, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। इस टिन को आप जाली पे एटलीस्ट 10 मिनट ठंडा रख करिए, ठीक है, फिर इसको ओवरटर्न करिए, फिर दोबारा केक को जाली पे या ब्रेड को, जो भी चीज़ आपने बेक की हो उसको जाली पे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जाली पे नहीं किया तो ऐसे होगा, सॉगी सा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसको प्लेट पे या डब्बे में नहीं रख दीजिएगा, ठंडा करिएगा, एक जाली सी ऊपर रख दीजिएगा और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा। फिर आप इसको स्लाइसिस में काट के इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के स्ट्रॉबेरीज़ और क्रीम डाल के खा सकते हैं, है ना, एक बहुत मज़े का डिज़र्ट। और अगर आप चॉकलेट ट्राइफल बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह का ब्रेड बनाइएगा, इस तरह का केक बनाइएगा और इसी तरह की चीज़ें बनाइएगा, सीखिएगा, हमसे सीखिए, रेसिपीज ट्राई करिए। कितनी सारी चीज़ें हमने बनाना सिखाई हैं ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स इन रिकॉर्डेड शोज, लाइव शोज़, तो इसी तरह हमारा आपने साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते आप सबकी मुलाकात होगी पंजाब में रहने वाले जो हमारे फ़ैन्स हैं, व्यूअर्स हैं, स्पेशली लाहौर वाले और लाहौर के गिर्दो नवा के जो दूसरे छोटे शहर हैं, लोग आते हैं बहुत दूर दूर से भी आते हैं हमें मिलने, सो आइएगा ज़रूर। मेक आर मसाला फैमिली फेस्टिवल अ ह्यूज सक्सेस हर साल की तरह, और हमसे मिलिएगा, तस्वीरें लीजिएगा लेकिन SOPs के साथ, ठीक है, और ज़रूर मुलाकात होगी। चलिए जी, एक और बात याद दिलाती चलूं कि जब हम छोटे थे हमारे बच्चों को भी, हमने भी पोलियो के कतरे लिए थे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है, पाकिस्तान में से भी आप लोगों की सपोर्ट होगी तो आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, और जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं पोलियो के ड्रॉप्स देने बच्चों को, उनके साथ ताउन करेंगे तो पोलियो भी इरेडिकेट हो जाएगा हमारे इस मुल्क से, ठीक है। तो उनसे ताउन करिए, पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइए। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।